हमारे साथ नजमा हैबतुल्ला जी हैं। मैम, जिस तरह से लिमिट बढ़ाई गई है उसके क्या फायदे हैं, आप ही समझाइए ब्रीफली। ऐसा है कि पहले जो लिमिट थी 1500 करोड़ की, वो पूरी हो गई थी। गवर्नमेंट जो कई सालों से मामला पड़ा था, जो पैसे सरकार हमको प्लानिंग कमीशन की तरफ से 5-11-12-5 प्लान में आए, वो पैसे का इस्तेमाल नहीं हो पाता था, वो लैप्स हो जाते थे क्योंकि हमारी लिमिट एग्जॉस्ट हो गई। कल के डिसीजन से वो लिमिट हमारी 3000 करोड़ कर दी है, इससे हमारे जो पैसे लैप्स हो रहे थे वो पैसे अब लैप्स नहीं होंगे, और जो हमारे डेवलपमेंट के प्रोग्राम हैं वो हम आगे बढ़ा सकते हैं। कुछ लिमिटेड मुस्लिम्स को फ़ायदा होने वाला है या सबको होगा इसका फ़ायदा? इसमें हिंदू मुसलमान का सवाल नहीं, इसमें सारी माइनॉरिटीज का है। जो भी माइनॉरिटी फाइनेंस कॉरपोरेशन, माइनॉरिटीज नेशनल डेवलपमेंट फाइनेंस कॉरपोरेशन जो है वो माइनॉरिटीज के लिए है, और उसमें 6 माइनॉरिटीज हैं, तो 6 माइनॉरिटीज के जो भी इश्यूज होंगे उनको सबको फ़ायदा होगा। कुछ अहम चीज़ें हैं जो इसके तहत और चलाई जाएंगी, जैसे पहले भी काफ़ी चीज़ें हैं, काफ़ी योजनाएं बनाई गई हैं, तो अब भी कुछ नई योजनाएं बनाई जाएंगी? नहीं, योजनाएं जो हमारी चल रही हैं वही प्रोग्राम आगे भी बढ़ते रहेंगे। अगर जैसी ज़रूरत पड़ेगी तो, अगर कोई नई योजना की जरूरत होगी नई योजना बनाएंगे, पर अभी हमारा जो फोकस है वो तो स्किल डिवेलपमेंट के ऊपर है, और हम स्किल डिवेलपमेंट में एंटरप्रेन्योरशिप के ऊपर भी फोकस कर रहे हैं, ताकि लोग स्किल सीख के नौकरी भी कर सकें और स्किल सीख के खुद भी काम शुरू कर सकें, तो एंटरप्रेन्योरशिप भी हो जाएगी और स्किल डेवलपमेंट भी हो जाएगा, और उसकी फाइनेंस जो है नेशनल फाइनेंस कॉर्पोरेशन जो है उसके अंतर्गत उनको हम सस्ते दर पर लोन भी देंगे। उसके लिए कोई अहम भूमिका इसमें होने वाली? मदरसे भी हमारे डेवलपमेंट के उसमें आते हैं, उसमें जो हमारी नई मंजिल है उसका जो हमारा अलग आज प्रोग्राम हुआ, उसके मदरसों के अंदर भी वही हम स्किल डेवलपमेंट का प्रोग्राम कर रहे हैं। इसमें अबतुल्ला जी, जिनका साफ तौर से कहना है कि जिस तरह से लिमिट बढ़ाई गई है उसका फायदा माइनॉरिटीज को एक अहम भूमिका पर जरूर होने वाला है। कैमरा पर्सन अंकित कौशिक के साथ शगुफी खान, मुंसिफ टीवी, दिल्ली।